पालघर जिले में मतदान खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बीच आपसी मतभेद जैसी कुछ बातें सामने आई है। मामला लोकसभा चुनाव प्रचार और प्रचार में उपयोग करने के धन राशि से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विरार शहर के एक पद अधिकारी ने दूसरे पद अधिकारी पर 50 लाख रुपयों के घोटाले का इल्जाम लगाया है और साथ ही में विरार पुलिस स्टेशन में गालियां देते हुए डरा धमकाने की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के विरार युवा मोर्चा उपाध्यक्ष नितिन सूर्यप्रकाश पवार ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में उनका आधिकारिक पत्र था जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आलाधिकारियों को अपने अधिकारी पार्टी पत्र में विरार पूर्व शहर मंडल अध्यक्ष नारायण मांजरेकर को उनके पद से हटाने की अपील की। पत्र में नितिन सूर्यप्रकाश पवार ने विरार पूर्व शहर मंडल अध्यक्ष नारायण मांजरेकर पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी प्रचार में उपयोग होने वाले धन राशि का घोटाला किया है। नितिन पवार के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक बूथ पर निर्धारित रकम 30,000 तय की गई थी, पर विरार पूर्व शहर मंडल अध्यक्ष नारायण मांजरेकर को हिसाब के अनुसार रकम दी भी गई थी परंतु उन्होंने मात्र 2,000 रकम प्रति बूथ को दिया। नितिन पवार का कहना है कि पार्टी के चुनावी फंड में 50 लाख का घोटाला हुआ। लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के लिए क्षेत्र से जो फंड आया था उस फंड का केवल 25% ही कार्यकर्ता को दिया गया और बाकी का भुगतान गबन कर लिया गया। नितिन पवार ने पत्र के माध्यम से कहा कि उनकी बीजेपी के बड़े अधिकारियों से निवेदन है इस भुगतान की जांच की जाए तथा क्योंकि व्यक्ति से विरार मंडल के कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी है और इसने बहुत खराब काम किया है, इसलिए इस व्यक्ति को तत्काल मंडल अध्यक्ष पद से हटाया जाए। आपको बता दें, नारायण मांजरेकर की गिनती वसई विरार शहर में बीजेपी पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में होती है। वसई विरार शहर के बीजेपी पार्टी के एक पद अधिकारी का खुद की पार्टी के दूसरे पद अधिकारी पर ऐसा आरोप लगाना पार्टी के आपसी मतभेद को साफ दिखाता है तथा पार्टी के जिला के अधिकारियों की कार्यनीति पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस विषय विरार युवा मोर्चा उपाध्यक्ष नितिन सूर्यप्रकाश पवार ने विरार पूर्व शहर मंडल अध्यक्ष नारायण मांजरेकर पर विरार पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है। देश भर में चुनाव का माहौल है और ऐसे में इस तरह का आरोप चुनावी रंग में भंग डालने के समान प्रतीत दिखता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दरमियान इस तरीके की खबर से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें, दिनांक 20 को पालघर लोकसभा चुनाव का मतदान पूरा हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री डॉक्टर हेमंत सावरा थे। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि नितिन सूर्यप्रकाश पवार के इस दावे में कितनी सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारियों का वसई विरार शहर को लेकर क्या फैसला आता है, क्योंकि यहां पर जिले के पद अधिकारियों की कमी साफ दिखाई देती है। तब तक खबर पर आरंभ न्यूज की नजर बनी हुई है, आपको आगे की जानकारी जल्दी प्राप्त होगी।